Students, today I am giving the lecture of class 6 science and today our topic is types of solution. Solution की कितनी types होती हैं? Solution dilute solution भी होता है, इसको समझ लें. Solution की बहुत सारी types हैं. Dilute solution होता है, concentrated solution भी होता है, saturated solution भी होता है, super saturated solution भी होता है और unsaturated solution भी होता है. Dilute solution किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर एक किलो दूध है और उसके अंदर हम दो गिलास पानी मिला देंगे, सही है, यानी कि हम थोड़ा उसमें पानी मिला दें, असल दूध में थोड़ा पानी मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा? डाइल्यूट. और एक दूध वो है जिसमें हमने सिर्फ आधा आधा कप मतलब पानी मिलाया, यानी कि सॉल्यूट बहुत कम मिलाया है, सही है, तो वो क्या होगा? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मिकदार कम होती है. यानी कि दूध हमने अगर एक बोतल लिया है तो पानी हम अगर बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे, आधी बोतल से भी कम, यानी कि सॉल्वेंट कम रखें और सॉल्यूट ज्यादा हो, यानी कि दूध ज्यादा हो पानी कम हो, तो वो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा. और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? इसमें दूध कम हो और पानी ज्यादा हो, सही है, यानी कि सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा हो और दूध सॉल्यूट है सॉल्यूट कम हो, तो वो क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन. अब आए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा होता है, सॉल्यूशन होता है कि हमने एक गिलास पानी लिया है, उसमें एक चम्मच हमने चीनी डाली और उसको हिलाया और डिसॉल्व हो गई, तो वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. और फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? हमने एक और गिलास लिया, हमने उसमें एक चम्मच चीनी डाली, दो चम्मच, तीन चम्मच, चार चम्मच, पांच चम्मच, हमने उसमें 30-40 चम्मच चीनी डाल दी, तो वो डिसॉल्व होगी? नहीं होगी. तो जहां वो डिसॉल्व होना रुक जाए सॉल्यूट, वो कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है? टोमेटो केचप सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मेयोनीज जो है वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है? कोई शरबत का गिलास, कोई जूस का गिलास, ये क्या है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सुपर सैचुरेटेड पे आते हैं. सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है? जैसे हमने दूसरा गिलास लिया था, हमने उसमें 20-30 चम्मच शक्कर के डाल दिए, तो वो डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे. तो उसको डिसॉल्व कराने के लिए उसको हमें क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा. जब गर्म करेंगे तो जो चीनी उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही होगी वो फिर डिसॉल्व हो जाएगी, तो वो कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा गर्म करने से? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एग्जांपल क्या है? शहद. शहद या आपकी जो टॉफियां आती है, कैंडीज वगैरह, ये किसकी एग्जांपल है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको समझा दिया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जैसे जिसमें पानी ज्यादा हो दूध कम हो वो डाइल्यूट है, और कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें दूध ज्यादा हो पानी कम हो, ठीक है, वो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझाया, इसकी मिसाल आपको टोमेटो केचप की दी है. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन समझाया, इसकी मिसाल आपको एक शरबत का गिलास या जूस का गिलास. फिर सुपर सैचुरेटेड समझाया, इसकी मिसाल क्या है? शहद, हनी और कैंडीज वगैरह. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. ठीक है, सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो. ओके, थैंक यू वेरी मच.